खबर जयपुर से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया। उन्होंने मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर कहा है, सीएम गहलोत से कहा है कि मंत्रियों से बात करने के लिए। रंधावा बोले, मंत्री करते हैं एक दूसरे पर बयानबाजी। रंधावा के इस बयान से झलकी उनकी लाचारी, क्योंकि उन्होंने कहा कि खुद स्पष्ट कर दिया कि मंत्री एक दूसरे पर बयानबाजी करते, तो ऐसे में इस बयान से उनके साफ नजर आती उनकी लाचारी। प्रभारी नहीं कर सकते क्या सीधा संवाद मंत्री से? पहले तमाम विधायक और उससे पहले कांग्रेस के सदस्य हैं वो लोग। चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि आपके मिनिस्टर से हैं, इनको बुलाकर करेंगे, पार्टी का वो सरकार की भी बात कर रही, एक दूसरे मंत्री के बाजी होते हैं, चीफ मिनिस्टर का काम करेंगे। मंत्री शांति धारीवाल की ओर से उठाए गए जयपुर के तीन तीन मंत्रियों और विधायकों की गुटबाजी के सवाल पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि धारीवाल ने जो कहा उसका मैंने जवाब दे दिया, अब बात खत्म हो गई। कांग्रेस बड़ा परिवार है, कहासुनी चलती रहती है, लेकिन जीतेंगे हम 156 सीट ही। पटना में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया है और सब एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। धारीवाल जी को मैंने अभी रंधावा जी से कहा इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और मैं धारीवाल जी से खुद से भी बात करूंगा, उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि वो मंच कटारिया जी का था और उस मंच पर इस तरह का बयान देने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई, क्योंकि मैंने भी अपना जवाब दे दिया, उन्होंने भी अपनी बात कह दी, तो हम उनसे भी बात करेंगे, इस बात को खत्म करें। अब ये आफ्टरऑल इस तरह की बात तो आ गई, अब इस बात को झगड़े को खत्म करना है ना, बढ़ाना तोड़ना है। आफ्टरऑल कांग्रेस एक परिवार है जिसमें छोटे बड़े भाइयों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो एक बात उन्होंने कह दी, एक बात हमने कह दी, बात खत्म, अब दूर कर देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर है। पंचायत समिति में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आख्या समेत बीजेपी पदाधिकारियों के वही में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष और रणजीत सिंह जी जो हमारे इस विधानसभा के और हमारे बद्रीलाल जी जाट का स्वागत अभिनंदन करें और हमारे बीच चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां 27 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चित्तौड़गढ़ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ दौरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन भी जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कपासन आने पर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर राज्य मार्ग स्थित एक होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राजशिविर का अवलोकन करने के साथ ही आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजीव गांधी उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इससे पहले जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने समय स्थल और हेलीपैड स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी कपासन के अंदर महंगाई राज शिविर का अवलोकन करके और एक बड़ी जनसभा को कपासन के अंदर ठीक 2 बजे बाद संबोधित करेंगे। खाजुवाला में 20 जून को 20 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप, उसके बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी मनोज कुमार और गाड़ी चालक राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरी वारदात के मुख्य आरोपी दिनेश की तलाश पुलिस ने तेज करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी है। आरोपी दिनेश पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कल शाम को परिजनों और पुलिस के बीच बनी सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं तत्कालीन थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर 4 दिन तक परिजनों की ओर से धरना भी दिया गया था। बीकानेर से खबर है, जहां खाजुवाला गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीकानेर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जी मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि एसपी और आईजी को पहले ही बोल दिया गया था, लेकिन इतने दिन आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वही मेघवाल ने पूरे मामले में बीजेपी को भी कड़कड़े में खड़ा किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि मंत्री मेघवाल ने हमारे संवाददाता रौनक व्यास से क्या कुछ खास बातचीत की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आप देखिए खाजुवाला में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या के मामले में पिछले 4 दिनों से जो गतिरोध था, हालांकि उस पर विराम लग गया है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थिति है, उसके बाद पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री और खाजुवाला से विधायक गोविंद राम मेघवाल, मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरह से बात चल रही थी कि गोविंद राम मेघवाल पूरी घटना के बाद मीडिया के सामने नहीं आए, कई चर्चाएं हो रही थी,
इतने दिनों बाद घटनाक्रम के बाद आप सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि कल जिस तरह से बीजेपी ने प्रोटेस्ट करते हुए कई आरोप आप पर लगाए, अनिता बघेल ने जिस तरह की बयान आपको लेकर दिया है कि राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी के साथ गया था। जैसे ही मुझे 20 तारीख को सूचना मिली, मैंने उसी दिन SP को कहा कि ये युवती की जो लाश मिली है इसको कम्प्लीटली खुलासा होना चाहिए, और चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इसमें लिप्त हो वो जेल में जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने उसी दिन से बॉडी लेकर के बीजेपी बैठ गई। बीजेपी की गलती मैं ये मानता हूँ कि घटना की निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के नेता जो हारे हुए MLA हैं जिनको 5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला, इसका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, मुझे इस बात का दुख है। चूँकि मैं इस पक्ष में रहूँ, आंदोलन मैंने भी बहुत किया है, लेकिन हम कभी भी लाश की राजनीति नहीं करते। लाश को लेकर के नहीं बैठना चाहिए, लाश को लेकर के वही बैठता है जिनके पीछे जनबल नहीं होता है। खाजूवाला की जनता इनके साथ में नहीं थी, इसलिए ये लोग, इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए, दलितों को प्रभावित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग करवाना, दंगों की साजिश करवाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने में बीजेपी ने जो है मास्टरी हासिल कर रखी है, झूठ बोलने में मास्टर है। हालांकि पॉलिटिकल बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो घटना हुई है घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी भी वही पॉलिसी है, अपराधी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर बात करें, मंत्री गोविंद राम मेघवाल पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया है उनकी सबसे पहले मीडिया के सामने, और ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के सिस्टम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर 4 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई। जी जी, जोधपुर से खबर है जहां बजरी की रॉयल्टी राशि बढ़ाने के विरोध में बजरी यूनियन की ओर से कलेक्ट्रेट रोड पर दिए जा रहे धरने में नागौर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल का पावटा चौराहे पर पहुंचने पर बजरी यूनियन के लोगों ने JCB से पुष्प बरसाकर स्वागत किया। बेनीवाल के काफिले पर लोगों ने फूल बरसाए, इसके बाद वो धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बजरी की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर बजरी ठेकेदार माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में माफिया आ भी है, बजरी ठेकेदार के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कोई भी नेता बजरी माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। हर जिले के अंदर आप जाओगे तो कोई तो मंत्री पार्टनर है, कोई पूर्व सांसद पार्टनर है, कोई विधायक पार्टनर है, कोई विधायक का भाई है तो कोई मंत्री का भाई है, हर जगह की यही स्थिति है। इसलिए मैंने कहा 2-5-10 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ईडी के अंदर कागज लेके जाएंगे तब हम मंत्रियों के नाम सहित सारा बही खाता इनका खोल देंगे। बीकानेर से खबर है जहां कोलायत के कोटड़ी गांव के पास खान के पास रॉयल्टी कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर कोलायत थाने पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। एक और ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि उससे अवैध रॉयल्टी वसूल को लेकर मारपीट की गई, तो वहीं रॉयल्टी ठेकेदार ने आरोप लगाए कि ट्रक ड्राइवर बिना रॉयल्टी पर्ची कटाए रवाना हो गया और मना करने पर मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर RLP ने प्रभुदयाल के नेतृत्व में थाने के आगे धरना लगाकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटसाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गिरने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 24 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। दोनों बच्चों की तलाश के लिए कल सुबह से ही सर्च अभियान चलाया गया था। बता दें कि घटसाना मंडी के पास स्थित 281 हेड नहर के पास 2 बच्चे साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, इसी दौरान साइकिल बेकाबू होकर नहर में गिर गई। दोनों बच्चों की उम्र 8 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल से मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आया अभी प्रथम दृष्टया। इसी क्रम में प्रेम सोडा है, उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है इस मृतक के पोते के खिलाफ, इसकी जांच की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के छोटी पाटड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में बाप बेटे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक खेत के विवाद को लेकर थावरचंद के घर पर उसके ही भाई भतीजे आए और लठ पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में थावरचंद और उसके बेटे गुड्डू, मांगू और सतुड़ी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल लाया गया जहां पर थावरचंद की मौत हो गई। वहीं गुड्डू को गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया जहां रात में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सिरोही के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के आबकारी मोहल्ले में आपसी विवाद में हुई मारपीट में ब्यावर निवासी दिनेश प्रजापत की मौत हो गई।
जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर शहर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। एसपी जेस्टा मैथिली ने भी मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक ब्यावर से आए 4 युवकों के साथ आपसी विवाद के चलते लोगों ने मारपीट की। मारपीट में ब्यावर निवासी दिनेश प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में पोहरी खातुरात अस्पताल के पास बदमाशों के पथराव से एक 2 साल के मासूम की मौत हो गई। महिला अपने पति और बच्चे के साथ भाई की शादी से वापस घर जा रही थी। रास्ते में बदमाशों ने बाइक रोकने का प्रयास किया और पथराव कर दिया। पत्थर बच्चे के सिर पे जा लगा जिससे उसकी मौत हो गई। पथराव के बाद बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है। विक्रमजीता भरत परमार निवासी मांडवा नवागढ़ का माड़िया तालाब बारात से आ रहा था, जो रास्ते में पौड़ी खातुरात को रोक के दो भाई की और 5-6 लड़के थे, उन्होंने जो लड़कों ने उनको रोका और रोक के कोई लड़के के हाथ में पत्थर था, जो पत्थर मार दिया जो छोटे बच्चे के लगा। जयपुर जिले के सामो थाना इलाके में एक दंपति ने आत्महत्या की कोशिश की। मामला महादेव नगर गांव का है, जहां एक नेपाली दंपति ने फांसी का फंदा लगा लिया। घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पत्नी को जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक पति और पत्नी नेपाल से आकर जाटावली इलाके में रह रहे थे। दोनों पति पत्नी यहां होटल पर काम करते थे। देर शाम को दोनों ने साथ खाना खाकर सो गए। सुबह जब होटल मालिक आया तो रसोई का गेट नहीं खोला, जमीन पर पड़े मिले। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां पति को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और पत्नी को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है। झगड़े में घायल 16 वर्षीय युवक की मौत का प्रकरण। कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंचे धरना स्थल पर। कांग्रेस से पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर और बीजेपी से समनदीप सिंह पहुंचे धरना स्थल पर। फिलहाल अभी तक नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। परिजन कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मोर्चरी के बाहर बड़ी तादाद में धरने पर बैठे परिजन और समाज के लोग। मामले को लेकर पुलिस जाब्ता भी है तैनात। 17 जून को दुर्गा मंदिर के पास हमले में घायल युवक हुआ था मृत। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से सटे सीमावर्ती भैसौद मंडी चौकी पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से क्षेत्र से चोरी हुई कुल 8 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को पूछताछ में झालावाड़ जिले और सीमावर्ती मध्यप्रदेश में हुई चोरी के अन्य वारदातों के भी खुलासे की उम्मीद है। झुंझुनू जिले में जून माह में आए बिजली के बिलों ने महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को झटका दे दिया है। बिजली बिलों में गड़बड़ी के चलते उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा के बावजूद इस बार आए बिजली के बिलों ने घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से कम प्रतिमाह खर्च करने पर भी इस बार बिजली के बिल भेजे गए हैं, जबकि पहले सरकार की ओर से 50 मिनट प्रतिमा उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के बिल 0 आ रहे थे। अब घरेलू उपभोक्ता बिलों को लेकर निगम के कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ितों का कहना था कि पहले 50 यूनिट पर 0 बिल आ रहा था, मगर इस बार 50 यूनिट से कम आने के बावजूद बिल आया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो 100 यूनिट दे रहा की है उनके बाद में भी मतलब बिजली का बिल ज़्यादा आ रही है। 50 आई है तो 50 के बाद में बिल माफ नहीं हो रही, बिल आ रहे बस आ रहे। ये जो बिल आए हैं 2 महीने के हैं, अप्रैल और मई कंजप्शन के हिसाब से आए हैं। उसमें सब्सिडी में संशोधन हम करवा रहे हैं, कुछ बिलों में भी त्रुटियाँ हैं, कुछ फुल सरचार्ज का भी कुछ पोर्शन आया है और हम इनको कैंप लगा के जल्दी से जल्दी जो बिलों में त्रुटियाँ हैं उनका सुधार हम 7 दिन में करके नए सुधार करवा देंगे। खोटा के मोहिकलावा से बड़ी खबर है। जेलकर्मियों के बहस बहिष्कार से जुड़ी खबर है। सांगो जेल प्रहरी दौलतराम की तबियत बिगड़ी है, इलाज के लिए सीएचसी पर उन्हें भर्ती कराया गया। समान वेतन की मांग पर भूख हड़ताल जारी है। तो अजमेर के बाद कोटा के मोईकला से खबर सामने आई है, जहां पर जेल प्रहरी दौलतराम की तबियत बिगड़ गई है और इलाज के लिए सीएससी पर भर्ती करवाया गया है।
वहीं तीन मांगों को लेकर जेल कर्मियों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। जेल कर्मियों ने मैस का बहिष्कार किया। जेल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि उनके मांगों का समाधान नहीं होता है तो जल्द ही उनके परिवार के सदस्य भी अन्न जल त्याग कर आंदोलन में शामिल होंगे। हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है, 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति को तुरंत दूर किया जाए और राज्य सरकार की हमारी जो मांग है वह इन पर पूरे राजस्थान में जो कर्मचारी इस तरह से अन्न त्याग करके बैठे हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। 1998 से नोशनल लाभ प्राप्त हो यह हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी वरिष्ठ पहरी का पद समाप्त करके ग्रेड पे 2400 का भुगतान करने की हमारी वाजिब मांग है। बाड़मेर में राजकीय जेएनएम प्रशिक्षण केंद्र और नर्सिंग कॉलेज के भवन की छत अचानक ही भरभरा कर नीचे गिर गई। जोरदार आवाज के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ भागकर बाहर निकला और जान बचाई। हादसे के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जर्जर बिल्डिंग के पास से निकलने वाले जिला अस्पताल के रास्ते को बंद करवाया। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल स्थित नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र और नर्सिंग कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग 1989 की बनी हुई थी जो पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश में पूरी तरह जर्जर हो गई थी। बिल्डिंग तो बहुत पुरानी थी, 79 के आसपास की बिल्डिंग ये बनी थी और ये इस तूफान में डैमेज हो गई और आज कुछ पट्टियाँ जो अंदर गिर गई हैं तो अभी हम जेसीबी को ब्लॉक मंगवा के और इसको जो है अंदर गिरा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के लोगों के लिए रात की खबर है। सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज संचालित श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में बंद पड़ी करोड़ों रुपए की जांच मशीनों का लाभ अब जनता को मिलने लगेगा। अस्पताल प्रबंधन ने इन मशीनों का इंस्टॉलेशन करवा दिया है। वहीं रेजिडेंट की कमी के साथ अन्य छोटी मोटी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाए जिसके चलते अस्पताल में अब कैंसर हार्मोन हृदयाघात से जुड़ी स्वास्थ्य जांचों के साथ ही 15 नई स्वास्थ्य जांचें भी हो पाएंगी जिससे मरीजों को अब जांच के लिए निजी सेंटर्स पर जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी।